गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग यूनिट 5 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आर टुडेज टॉपिक इज प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि एक मेथड है फैक्टर करने का। क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है हमारा? सभी का फैक्टर होगा तो वन तो सब में होता है, ठीक है। एंड थ्री का सिर्फ क्या फैक्टर्स हो सकता है? या तो वन या फिर थ्री। तो ऐसे नंबर क्या हैं? ये प्राइम नंबर होते हैं। इसी तरह आप फाइव ले लो, फाइव का भी वन एंड फाइव होगा, सेवन का भी वन एंड सेवन होगा, बट नाइन का, अब आप सोचिए ये तो ओड सीरीज चल रही है, वन थ्री फाइव फाइव सेवन नाइन, टेबल में भी नाइन आता है, इसलिए हम नाइन को प्राइम नंबर नहीं मानेंगे। इसी तरह इलेवन, इलेवन का भी वन एंड इलेवन, थर्टीन वन एंड थर्टीन, ये सब नंबर क्या है? प्राइम नंबर्स होते हैं। अब इसके बाद होता है हमारे एक मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें इन योर स्टूडियो बुक ऑन पेज नंबर 77, एवरी कंपोजाइट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। कंपोजाइट नंबर को हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, और ये क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, आपके पास एक एग्जांपल है प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं। Thank you.
ओके ऐसे ही 81 का आपको दिया हुआ है, 81 का हम करें तो 81 का हम क्या कर सकते हैं, 99 कर सकते हैं। इसके बाद 99 के 33 होंगे, और अगर हम 33 के फिर से करना चाहें तो 13 ये चलेगा। ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब 24. Look at the hopscotch grid and fill in the table. Okay? मतलब कि आपको क्या करना है भाई, HCF find out करना है hopscotch को देखते हुए। तो इसमें आपको सबसे पहले दिया has to hop on the numbers। दिया कौन से factors पे है? 36 पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 36 निकालेंगे।
भाई सर्कल द नंबर का मतलब भाई कॉमन हमें निकालना है, कॉमन फैक्टर। इसके बाद आपको लास्ट में पूछ रहा है, तो आपको जहाँ ब्लैंक दिए हुए हैं वहाँ आप ये फैक्टर्स राइट कर देंगे। सर्कल द नंबर, ठीक है। फिर इन हैंड्स ऑन 5.6 द कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36 आर। तो आपको यहाँ पे दोनों के कॉमन फैक्टर्स जो आए हैं वो राइट कर देने हैं, ठीक है। ए सेट ऑफ नंबर कैन हैव टू और मोर कॉमन फैक्टर्स, ये भी हम देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में कि किसी भी क्वेश्चन में हमारे पास दो से ज़्यादा भी कॉमन फैक्टर्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है हमेशा दो ही हो। जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, उसमें सिर्फ 1 और 2 था कॉमन फैक्टर, तो उसमें तो 2 ही कॉमन फैक्टर थे, बट इसमें तो इतने सारे कॉमन फैक्टर हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 ही कॉमन फैक्टर हों, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके, तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए ट्रिक बनाया के दिया हुआ है आपको ब्लैंक, वो मैंने अभी आपको बताई दिया, उसको भी आपको कंप्लीट करना है।